Hello friends, I hope you all are doing good. Myself Kirti Chaudhary and I welcome you all to Educationary. So आज हमने पिछली वीडियो में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स किए थे एंड हम इस वीडियो में भी उसे ही कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो चलिए देखते हैं कि आज हमें क्या डिस्कस करना है. सो बेसिकली आज हम जो है वो कुछ मेन अप्रोचेज और हम कह सकते हैं कुछ मेथड्स मेन हम आज सीखने वाले हैं राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स के. ठीक है, तो इसमें मेनली जो है 3 मेथड्स आते हैं एंड ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो आप अगर समझेंगे तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, अच्छे से सुनना और समझ लोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है इसमें रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच, सेकेंड वन इज़ रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच एंड थर्ड वन इज़ RCEM अप्रोच. तो इसमें बेसिकली व्यवहारिक कथन को हम व्यवहारिक कथन के उद्देश्यों को हम कैसे लिख सकते हैं वो इसमें जो है हम सीखेंगे. ठीक है, उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स और 3 अप्रोचेस हैं. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच के बारे में बात करेंगे. तो रॉबर्ट मेगर के अकॉर्डिंग उनका ये मानना है कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिखे जाने चाहिए फॉर्म में, स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड टर्मिनल बिहेवियर के फॉर्म में जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को लिखा जाना चाहिए. अब आप सोच रहे होंगे एक्सपेक्टेड टर्मिनल बिहेवियर का क्या मतलब है. सो एक्सपेक्टेड टर्मिनल बिहेवियर का मतलब ये है कि इसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं. ये बताता है प्रायर नॉलेज क्या है लर्नर की, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, जिसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकें और एक नया बिहेवियर जो है बच्चे का लर्नर का बाहर निकाल सकें. ठीक है ना, तो इसके लिए इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बताए हैं जो कि दिमाग में रखने हैं. ठीक है, तो पहला जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टर्मिनल बिहेवियर. सबसे पहले टर्मिनल बिहेवियर को ही आइडेंटिफाई करना. कोई भी पर्टिकुलर लर्नर की हम बात कर लेते हैं, किसी की भी, तो उसके पहले हम उसका टर्मिनल बिहेवियर को अच्छी तरह आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है ना, उसके बाद आगे की चीज़ें होंगी. तो ये चीज़ एकदम ध्यान में रखनी है. उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस अंडर विच द बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड टू अकर. उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है हमें देना है इम्पॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में जिसमें जो बिहेवियर जो है बच्चे का हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें उसका बिहेवियर अकर कर सकता है, एक्सपेक्टेड हो. ठीक है, थर्ड वन इज स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है परफॉर्मेंस का, वो होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो रॉबर्ट मेगर जो थे इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी को जो है अपना बेसिस बनाया लिखने का राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में. ठीक है ना, ब्लूम टैक्सोनॉमी हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, दैट व्हाट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी. तो अगर हम उसकी बात करें तो उसके अकॉर्डिंग उन मेगर ने जो है कंसेंट्रेट किया है कॉग्निटिव और अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स पे. ठीक है, इस स्कीम में राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स की बिहेवियरल टर्म्स में उन्होंने एम्फेसाइज किया, उन्होंने जोर डाला है एक्शन वर्ब्स पे रादर देन मेंटल प्रोसेसेस पे. जो हमने एक्शन वर्ब्स पढ़ी थी वही उन पे इन्होंने ज़्यादा जोर डाला है रादर देन मेंटल प्रोसेस पे. ठीक है, तो जो वर्ब्स हैं वो हेल्प करती हैं डिस्क्राइब करने में आउटकम्स लर्निंग का. तो जो वर्ब हैं वो बताती हैं कि क्या आउटकम जो है हो सकता है लर्निंग का या फिर टर्मिनल बिहेवियर का लर्नर के एक वेल डिफाइंड वे में. ठीक है, वेल डिफाइंड वे में क्या आउटकम निकल कर आ सकता है बच्चे का लर्नर का टर्मिनल बिहेवियर में. चलिए ये तो यहाँ तक की बात हुई, आगे चलते हैं. अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम किसका, कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन का. ठीक है, और टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ड्यूटीज ऑफ सिटीजन. पहले हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड देखेंगे. ठीक है ना, ये मैंने अफेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी में कर लिए थे, ये वही चीज़ है. ठीक है, कुछ अलग होगा आगे चलकर तो मैं आपको बताऊंगी, पर अभी ये उसी के रिलेशन में जो बात करी गई है. ठीक है ना, क्योंकि बेसिस ही ब्लूम टैक्सोनॉमी को माना गया है. तो अगर हम इसमें बात करें तो जो टॉपिक है वो ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन है और हम बात कर रहे हैं अफेक्टिव डोमेन के बारे में पहले. तो अगर हम इसमें रिसीविंग की बात करें तो अगर टॉपिक ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन है तो उसमें एक स्टूडेंट जो है वो एक्सेप्ट करेगा अपनी ड्यूटीज एज अ सिटीजन, ऑब्वियसली बात है. ठीक है, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करेगा उस चीज़ को लेकर, या वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, या तो वो लिखेगा
एक लिस्ट बनाएगा सिटीजन्स के ड्यूटीज़ के बारे में, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्ड करेगा कि क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में, और लिख के देखेगा उसे या बताएगा, ठीक है। थर्ड वन इज़ वैल्यूइंग। अब स्टूडेंट जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा सिटीजन ड्यूटीज़ को अपने बिहेवियर के थ्रू, अब वो अपनी वैल्यूज़ जो है दिखाएगा, ठीक है ना। पहले उसने रिसीव कर लिया, फिर उसने रिस्पॉन्ड कर लिया, अब वो वैल्यू करेगा। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। अब सब कुछ कर लिया, अब वो अपने आप को रिलेट करेगा वेरियस ड्यूटीज़ के साथ, जितनी भी सिटीजन्स के ड्यूटीज़ हैं, अब वो उन उन सब से अपने आप को जो है रिलेट करेगा, ठीक है ना। तो ये तो हुई इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन की बात। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। उसका भी सेम एग्जाम्पल के लिए टॉपिक ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन ही रहेगा, पर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं यहाँ चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले नॉलेज की बात करते हैं। तो इसमें प्रीवियस नॉलेज अबाउट सिटीजन्स एंड देयर ड्यूटीज़, तो इसमें जो है वो पहले प्रीवियस नॉलेज को, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले भी, रिकॉल करेगा प्रीवियस नॉलेज को सिटीजन्स के बारे में और उनकी ड्यूटीज़ के बारे में। इस नॉलेज को वो जो है रिकॉल करेगा और रिमेंबर करेगा। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। तो अब जो है स्टूडेंट जो है वो एबल है बताने के लिए सिटीज़न को उनके राइट्स क्या हैं कंट्री में, ठीक है। फिर एप्लीकेशन पर अप्लाई करेगा, ठीक है, चीज़ों को कंपेयर करने के बाद सिटीज़न ड्यूटीज़ को अदर कंट्रीज़ के साथ, फिर वो अप्लाई करेगा, ठीक है ना। फिर एनालिसिस आ जाता है। अब स्टूडेंट जो है वो एबल है एनालाइज़ करने के लिए कि क्या रिफॉर्म्स की जो है ज़रूरत है इन मैटर्स में, कुछ रिफॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद सिंथेसिस आ जाता है। अब स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेल व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजन ड्यूटीज़। अब स्टूडेंट जो है वो तैयार हो चुका है ये बताने के लिए कि क्या इम्पोर्टेंस है सिटीजन ड्यूटीज़ की, क्यों इम्पोर्टेंट है सिटीजन्स की ड्यूटीज़, ठीक है ना। इसे बताने के लिए वो तैयार है। आगे चलते हैं। अब आता है लिमिटेशंस क्या हैं रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच की। तो इन्होंने कोई एम्फेसिस नहीं दिया है मेंटल प्रोसेस पे, ठीक है। जैसा अभी हमने पढ़ा था, इनका फोकस ज़्यादा किस पे था, एक्शन वर्ब्स पे इनका ज़्यादा फोकस था, ठीक है। नेगलेक्ट किया इन्होंने साइकोमोटर डोमेन को, इनका मेन फोकस किस पे था, अफेक्टिव और कॉग्निटिव डोमेन पे इसका इनका ज़्यादा फोकस था। साइकोमोटर डोमेन की यहाँ पे बात ही नहीं की गई है, और ये जो है वो हायर लेवल ऑब्जेक्टिव्स के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है ना। इसमें काफ़ी लंबी लिस्ट है एक्शन वर्ब्स की, हर चीज़ को इन्होंने एक्शन वर्ब्स के साथ रिलेट किया है, ठीक है ना। उसके बाद ये सारे ह्यूमन बींग्स के लिए सूटेबल भी नहीं है, ओके। तो चलिए, तो लिमिटेशंस हो गई इसकी, अब आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच, ठीक है। अब रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच की बात करेंगे। तो इन्होंने जो है कॉग्निटिव या फिर हम साइकोमोटर डोमेन जिसे कहते हैं, जो नेगलेक्टेड था मेगर्स अप्रोच में, इन्होंने उस पर बात करी है, ठीक है ना। तो रॉबर्ट मिलर ने डेवलप किया अपना अप्रोच 1962 में फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ राइटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन। इन्होंने अपना जो है वो बेस बनाया है साइकोमोटर डोमेन को। इन्होंने भी आउटलाइन करे हैं फॉलोइंग प्रोसीजर्स लिखने के साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में। देख लेते हैं, सबसे पहला इनका जो फोकस है वो इंडिकेशन स्टिमुलस, ठीक है, और दूसरा आ जाता है एक्टिवेशन या रिस्पॉन्स टू बी मेड, उसके बाद फीडबैक या फिर रीएनफोर्समेंट, ठीक है ना। इन्होंने तीन चीज़ों पर फोकस किया है मेनली। आपको ये याद रखना है, आपको सिंपल चीज़ याद रखनी है कि जो मेगर्स वाला अप्रोच था उसमें उन्होंने एम्फेसिस किया है कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन में। देन जब रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच की बारी आई तो उन्होंने अपना जो रखा है वो कॉग्निटिव या फिर साइकोमोटर डोमेन पर जो है अपना बेसिस रखा, ठीक है ना, जो मेगर्स ने नेगलेक्ट किया था उन्होंने इसमें वो डाल दिया। पर रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच में कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन कहीं नहीं है, ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लाइक मेगर्स, मिलर ऑल्सो ट्राइड टू एनलिस्ट एसोसिएटेड एक्शन वर्ब्स फॉर द साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है।
जैसे मेगर ने किया वैसे ही मिलर ने ट्राई किया एनलिस्ट करना. कुछ उन्होंने एनलिस्ट किया एसोसिएटेड एक्शन वर्ब्स साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स के लिए. तो चलिए देख लेते हैं ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट वन इज़ परसेप्शन. ठीक है, मैंने आपको पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी में बताया था परसीव करता है पहले कोई भी चीज़. ठीक है, उससे रिलेटेड हमने एक्शन वर्ब्स भी पढ़ी थी, कंस्ट्रक्ट स्केच देन सेट, उसका एक्शन वर्ब आया था डिज़ाइन, देन फिर गाइडेड रिस्पॉन्स उसके रिलेशन में आ जाती है, फिक्सेस आइडेंटिफाइज. ठीक है, एक्शन वर्ब आ जाती हैं. उसके बाद फिर मैकेनिज्म, फिर ड्रिल्स मेंड्स, उसके बाद कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, इसमें आ जाता है चेंजेस कनेक्ट्स क्रिएट्स एंड लोकेट्स. तो अगर आपने अभी तक ब्लूम टैक्सोनॉमी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये है. काफ़ी उसके जो टर्म्स हैं वो यहाँ यूज़ किए गए हैं, तो मैंने वो उस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताया है, तो आप सब कुछ रिलेट कर पाएंगे अगर आपने वो वीडियो देखी है. तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, देन फिर आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं. तो अब हम बात करेंगे एसोसिएटेड एक्शन वर्ब्स फॉर साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, बेस्ड ऑन हैरोज क्लासिफिकेशन, हैरोज की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे कि उन्होंने साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या क्या दिया था. ब्लूम टैक्सोनॉमी में उनकी अलग चीज़ें थी जिन उन्होंने जो मॉडिफाई किया था वो सिम्पसन का व्यू जो है वो उन्होंने मॉडिफाई किया था, यहाँ पे अलग चीज़ है. ठीक है ना, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं. सबसे पहले उन्होंने जो है बात करी है वो करी है रिफ्लेक्स मूवमेंट के बारे में. रिफ्लेक्स मूवमेंट के बारे में यहाँ पे पहले बात करी गई है. तो इसकी उसमें जो इन्होंने एक्शन वर्ब रखा है वो है बाइट, हार्डन, जर्क, लाइटन, लूज, मेक स्मॉल, रिलैक्स, ये सब. ये कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये उनके आप एक्शन वर्ब जो है यहाँ से याद कर सकते हैं. अब मैं आपको यहाँ पे इसके बाद इसका क्लास क्या कहते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के सारे टर्म्स यहाँ पे बता देती हूँ. ठीक है ना, यहाँ पे भी हैं, यहाँ जो एग्जांपल्स हैं वो भी एज एक्शन वर्ब ही काम कर रहे हैं, बट मैंने यहाँ पे ऐसे भी डाल दिया है, तो आपको जहाँ से भी अच्छा लगे वहाँ से पढ़ लेना. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा रही हूँ. अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे मिल जाएंगी वहाँ पर जैसे जैसे क्लासेस होंगी. एंड अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट ऑल्सो. ओके, लाइक करते रहिए एंड शेयर करते रहिए. चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट की. ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्स ऑब्जेक्ट में क्या बताया गया है, लर्निंग इन रेस्पॉन्स टू सम स्टिमुलाय. ठीक है, यहाँ पे साइकोमोटर की बात करी गई है, तो साइकोमोटर में मेनली जो चीज़ें हैं वो रिलेटेड होती हैं हैंड्स से. ठीक है ना, फिजिकल ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे करी गई हैं, तो यहाँ पे इसीलिए बताया गया कि जो रेस्पॉन्स है वो समवॉट रिलेटेड है स्टिमुलाय. तो इसमें स्टिमुलाय का जो मतलब है वो है कि किसी चीज़ को एक्शन में लाना. इसका हम आगे अभी एग्जांपल जो है मैं दूंगी आपको हेरोल की लिस्ट का, उसमें देखेंगे. ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्स मूवमेंट की बात हो गई, इसमें एग्जांपल्स में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, स्ट्रेचिंग, ठीक है, ये सब आ जाता है. अब बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स में क्या आता है, बेसिक मूवमेंट्स में जो है कंबाइनिंग आती है. ठीक है, अब आप पुशिंग करेंगे, पुलिंग करेंगे, रन करेंगे, तो उसमें आपकी मसल्स भी काम करेंगी. ठीक है, आप क्या लेग्स भी काम करेंगी दौड़ने के लिए, एक चीज़ तो काम ऐसा तो है नहीं एक ही चीज़ काम करेगी. ठीक है ना, तो कंबाइन करके यहाँ पे बात करी गई है. उसके बाद परपेचुअल एबिलिटीज, परपेचुअल एबिलिटीज़ में कॉग्निटिव और साइकोमोटर दोनों ही इंक्लूड किए गए हैं. लाइक जैसे अगर आप जंप करेंगे या फिर आप अगर कैचिंग करेंगे या और ऐसा कुछ काम करेंगे जिसमें अब आप जंप करेंगे तो माइंड की भी ज़रूरत पड़ेगी. अब ऐसा तो नहीं है ना आपका माइंड कहीं और ही है, पता चला आप गिर गए जंप करते करते. तो कॉग्निटिव और साइकोमोटर दोनों ही बिहेवियर को इसमें जो है इंक्लूड किया गया है. ठीक है, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज़ में, इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ में बताया गया है कि एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, विगर, एगिलिटी, विच प्रोड्यूसेस अ साउंड एफिशिएंटली फंक्शनिंग बॉडी. फिजिकल एक्टिविटीज़ की इसमें काफ़ी ज़्यादा वो बताई गई है इम्पॉर्टेंस कि फिजिकल एक्टिविटी साइकोमोटर डोमेन में जब तक नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम रनिंग कर सकते, ना हम कुछ कर सकते. देखिए एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, और ऑल एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्ट्रेनियस एफर्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
जो भी एक्टिविटी जो ज़्यादा टाइम ले रही है, जिसमें ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एफिशिएंट होनी चाहिए, हमारी बॉडी जो है फंक्शनिंग जो हो रही है हमारी बॉडी की, वो काफ़ी साउंड होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर जो मसल्स हैं हमारी वो वीक होंगी तो हम ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें वही सब लिखा हुआ है, मस्कुलर एक्सर्शन नहीं होना चाहिए, अ क्विक वाइड रेंज ऑफ मोशन एट हिप जॉइंट्स, क्विक प्रिसाइज मूवमेंट्स, ये सब बोला गया है। उसके बाद आ जाता है स्किल्ड मूवमेंट्स, ठीक है। तो स्किल्ड मूवमेंट्स, जब कोई कॉम्प्लेक्स टास्क हम परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे उसकी बात करी गई है, ठीक है। जैसे ऑल स्किल्ड एक्टिविटीज ऑब्जेक्टिव्स इन स्पोर्ट्स रिक्रिएशन एंड डांस, कुछ भी हम स्किल का काम कर रहे हैं, डांस स्किल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टास्क है, एफिशिएंसी चाहिए करने के लिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट आ जाता है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन थ्रू बॉडीली मूवमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम पॉस्चर टू जेस्चर्स, क्रिएटिव मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, एक्ट, इसमें मतलब जेस्चर्स भी हमारे जो हैं पॉस्चर के साथ इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब अगर हम भाग रहे हैं या फिर हमारे ऊपर किसी चीज़ का कुछ प्रेशर है, हमने वेट लिफ्टिंग की, ठीक है, तो हमारी फेशियल एक्सप्रेशन उस टाइम काफ़ी, जैसे आपने देखे होंगे लोगों के, बदल जाते हैं एकदम से, ठीक है ना। तो वो हम जेस्चर में उस चीज़ को इंक्लूड करेंगे, और पॉस्चर तो वेट लिफ्टिंग कर ही रहा है इंसान, ठीक है। तो इसमें वही है, बॉडी पॉस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, एफिशिएंटली एग्जीक्यूटेड इन स्किल्ड डांस मूवमेंट्स एंड कोरियोग्राफीज, स्किल, अगर हम डांस करते हैं तो स्टेप के अकॉर्डिंग जो है हमारे जेस्चर्स चेंज होते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, ठीक है। तो यही बात करी गई है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे अब आपको और चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे मिलर्स अप्रोच का, ठीक है, और टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक है हमारा फिजिकल ट्रेनिंग एंड ड्रिल। तो इसमें अगर हम रिफ्लेक्स मूवमेंट को अगर हम फिजिकल ट्रेनिंग और ड्रिल से अगर हम कंपेयर करें, तो क्या हम उसके बिहेवियरल टर्म्स में क्या हम लिख सकते हैं, तो जो लर्नर है वो एबल है स्ट्रेच करने के लिए अपनी आर्म्स सिंगल विद द सिग्नल ऑफ द ड्रम। तो जैसे जैसे स्कूल्स में होता है ना, जैसे प्रेयर से पहले रिंग बजती है, रिंग होती है कि हाँ अब प्रेयर स्टार्ट होने वाली है, सो हम क्या होता है, हम अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पता चल जाता है, ऐसे ही अगर हम फिजिकल ट्रेनिंग एंड ड्रिल की बात करें, तो अगर स्ट्रेचिंग से पहले, ठीक है, जो लर्नर है उसे सिग्नल मिल जाता है ड्रम का, तो वो स्ट्रेचिंग अपनी आर्म्स की करनी स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसे सिग्नल मिल गया, उसके अकॉर्डिंग उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप चीज़ों को ना रिलेट करके चलना, जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ, वैसे ही आप अपने दिमाग में इन चीज़ों को उतार लो, क्योंकि ये चीज़ें सिंपल हैं। बाकी कन्फ्यूजन हमें इसलिए होता है क्योंकि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ये चीज़ें सिमिलर हो जाती हैं, एक्शन वर्ब्स वगैरह, और इन सब में बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल्स तो आप खास करके अच्छी तरह देख के चलना ही चलना, क्योंकि एग्जाम्पल्स के आपको एडिशनल मार्क्स हमेशा ही मिलते हैं और मिलते रहेंगे, एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप फुल फ्लेश्ड आराम से लिख सकते हो, इसे बस समझने की देर है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं फंडामेंटल मूवमेंट्स की। तो फंडामेंटल मूवमेंट्स पर हम इसे रिलेट करें तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द लर्नर्स कैन रन द प्रेस्क्राइब्ड लेंथ, वो प्रेस्क्राइब्ड लेंथ में भाग सकता है, फंडामेंटल मूवमेंट्स को कंबाइन करके कॉग्निटिव और साइकोमोटर को, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया था। फिजिकल एबिलिटी, जो लर्न है वो एबल है स्टैंड करने के लिए अपने टोज पे मिनिमम पीरियड के लिए, उसकी अगर वो फिजिकली फिट है तो जैसे इसमें कहा है कि वो अपने टोज पर कुछ टाइम के लिए खड़ा हो सकता है, अगर उसकी इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी एफिशिएंसी है तो। उसके बाद आ जाता है परपेचुअल एबिलिटीज, इसमें बैलेंस बना सक पाएगा वो अपनी बॉडीज के साथ, ठीक है। लर्नर जो है एबल होगा बैलेंस करने के लिए अपनी बॉडीज को ऑन द पैरेलल बीम्स, ठीक है। फिर आ जाता है स्किल मूवमेंट्स, अब स्किल मूवमेंट्स में वो डाइव भी कर सकता है, स्केट भी कर सकता है केयरफुली मिनिमम स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है, अकॉर्डिंगली जो भी उसकी एक्टिविटी चल रही है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग ड्रिल थी, तो फिजिकल ट्रेनिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये था इसका एग्जाम्पल, अब आगे चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट में बता दिया करो मुझे, मैं वो रिजॉल्व कर दिया करूँगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट अप्रोच आता है RCEM अप्रोच, या अगर हम कहें तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर अप्रोच, ठीक है। तो इस अप्रोच में
इनका कहना है, आरसीएम अप्रोच का जो है वो ये कहना है कि एक अच्छा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अगर हम बिहेवियरल टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो उसमें सारे के सारे थ्री के थ्री डोमेन्स का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव या फिर साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो जो मिलर और मेकर्स का अप्रोच था उसमें कुछ ना कुछ छूटा ही हुआ था। पहले वाले मेकर्स के अप्रोच में दो चीज़ें थी पर साइकोमोटर नहीं था, मिलर्स के अप्रोच में साइकोमोटर था पर पहले की तो चीज़ें नहीं थी, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें इन्होंने तीनों चीज़ों को जो है इंक्लूड किया है, ठीक है। थ्री डोमेन्स, तीनों डोमेन्स को इन्होंने इंक्लूड किया है, फिर लिखा भी है, बोथ मिलर्स एंड मेगर्स अप्रोच हैव रिमेन्ड अनसक्सेसफुल इन द टास्क ऑफ राइटिंग ऑल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बिलोंगिंग टू ऑल थ्री डोमेन्स ऑफ बिहेवियर। दिस अप्रोच सक्सेसफुली ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ द प्रीवियस टू अप्रोचेस, और इस डोमेन ने जो है सक्सेसफुली प्रीवियस जो लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम भी किया है, ठीक है। तो इसका हम फीचर जो है इसका देख लेते हैं, आरसीएम के फीचर्स, यूज मेंटल प्रोसेसेस का उस पर फोकस किया गया है, मॉडिफिकेशन किया गया है यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को, और डिवीजन किया गया है मेंटल प्रोसेस में, ठीक है। ये तो आपको इसके फीचर्स याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन आरसीईएम अप्रोच, ठीक है। टैक्सोनॉमी को हम समझेंगे आरसीईएम अप्रोच में। तो जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव चल रहा है, यहाँ पे कॉग्निटिव की बात कर लेते हैं, उसमें से कुछ लिया है इन्होंने। पहला नॉलेज, तो आरसीईएम के अकॉर्डिंग भी नॉलेज ही है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ। अच्छा, मेंटल प्रोसेस और एबिलिटीज में यहाँ रिकॉल, रिकॉग्नाइज, ये सब आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, बट आरसीईएम के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाया है, तो इनके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग आ गई है यहाँ पे, ठीक है। उसका हम कुछ देख लेंगे यहाँ पे, एबिलिटीज मेंटल प्रोसेस में क्लासिफाई, इंटरप्रेट, ठीक है, ये सब अंडरस्टैंड कैसे कर रहा है बच्चा चीज़, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन ही रहने दिया इन्होंने। उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें मेंटल प्रोसेस और या एबिलिटीज, तो रीजन आउट, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, एस्टैब्लिश हाइपोथेसिस, इन्फर प्रेडिक्ट, फिर लास्ट एनालिसिस है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, और इन्होंने अपना जो दिया है वो दिया है क्रिएटिविटी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, एनालाइज, सिंथेसाइज, इवेल्युएट, ठीक है। तो जो अबव टेबल है उसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे सेवन मेंटल प्रोसेसेस हैं और एबिलिटीज हैं, तो 17 मेंटल प्रोसेसेस और एबिलिटीज़ हैं, जिसमें से 2 जो है वो नॉलेज के लिए हैं, 7 जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, 5 जो हैं वो एप्लीकेशन के लिए हैं, और 3 क्रिएटिविटी के लिए हैं। जो कॉम्प्रिहेंशन कैटेगरी है उसे हम टर्म करते हैं अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन कैटेगरी है ये, इसको हम अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर टर्म करते हैं, जो कि इन्होंने करके यहाँ दिखा रखा है, जो इन्होंने अपना मॉडिफाई किया है आरसीएम ने, ठीक है। याद रखना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आरसीएम की मेरिट की बात कर लेते हैं, आरसीएम अप्रोच के मेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है इसमें स्पेसिफिक एंड डिफाइनाइट, ये स्पेसिफिक और डिफाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर दी हैं अपने अकॉर्डिंग ही क्यों चाहें। फिर एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद एम्फेसिस है लर्निंग प्रोसेस पे, कोई डाउट और कन्फ्यूजन नहीं है, ईजी भी है। अब आगे चलते हैं, डीमेरिट्स क्या हैं आरसीएम अप्रोच के, बैलेंस नहीं है कोई, एरोनियस एजम्पशंस, मतलब इनके अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया ना कि 17 इन्होंने अपने क्या कहते हैं मेंटल प्रोसेसेस बताए थे, तो ऐसा कुछ ज़रूरी तो नहीं है ना कि उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा और कुछ बचा ही नहीं है, तो ये एरोनियस, मतलब ऐसा कुछ अजम्पशन करना सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मोर यूजफुल फॉर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स ओनली, हाँ, केवल ज़्यादातर ये जो इनका इन्होंने जो रिफॉर्म लाया है वो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही केवल इन्होंने ज़्यादा यूजफुल बताया है, बाकी दोनों के लिए इतना यूजफुल नहीं है वो चीज़, और ना इन्होंने कुछ उसमें मॉडिफिकेशन दिखाया है, बस कॉग्निटिव डोमेन को ही इन्होंने मॉडिफाई करके दिखा रखा है, और बेसिस इन्होंने बताए हैं कि तीनों बेसिस इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ठीक है। बाकी काम बता वो इन्होंने किया काम कॉग्निटिव पे ज़्यादा है। डिफ़िकल्टी सिलेक्ट करने में मेंटल प्रोसेस, इतने सारे इन्होंने मेंटल प्रोसेस बता दिए हैं, क्रिएटिविटी के बता दिए हैं 17, फिर 2 जो है
नॉलेज के बेस पर तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है सिलेक्ट करना वेंडर प्रोसेस को, कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। मतलब इन्होंने काफ़ी कन्फ्यूजन तो ऑब्वियसली क्रिएट कर ही दिया है, मतलब इन्होंने कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन कॉग्निटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के बीच में नहीं बताया है बेसिस पे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के, बस कॉग्निटिव के उस पर बता दिया, बाकी के तो छोड़ दिए, उन पर तो बात ही नहीं की है। ठीक है, तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, डीमेरिट्स तो काफ़ी लग रहे हैं सामने से ही दिख रहे हैं। चलिए इसकी बात हो गई। अब तो ये जो हमारी थी वो आज हमारी लास्ट क्लास थी फर्स्ट यूनिट की, ठीक है। हाँ, आज हमारी यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब अगर बात करें तो अब हम जो अगली क्लास हम करेंगे वो उसमें हम यूनिट सेकंड जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो मैं कह रही थी कि क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, सो मैं क्वेश्चंस आपको जब एक बार पूरी सारी यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं आपको सीरियल वाइज लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक लाइन से आपको एक क्लास में सब करवा दूंगी वो, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको क्लास, समझ में आया या नहीं आया, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।